नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजुन क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 5 जुलाई को सीटेट की परीक्षा होना लगभग तय है, क्योंकि अगर परीक्षा चेंज हुई होती, डेट चेंज हुई होती, तो इसके विषय में कोई विज्ञप्ति या कोई भी सूचना मिली होती। तो दोस्तों, परीक्षा के डेट को देखते हुए अपने पास टाइम कम है, इसलिए जो है हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो फैक्ट हो। तो इसी क्रम में हम आप सबके बीच में जो है परसदी किताब को स्कैनिंग के माध्यम से लेकर के आए हैं, और इसको जो है पूरी तरह से अध्ययन किया गया। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उस पर जो है अंडरलाइन की गई, तो उन्हीं पे चर्चा होगी आज। क्योंकि पिछले पेपर और पाठ्यक्रमों को देखा जाए तो सीटेट का हो चाहे यूपीटेट का हो, वो सारे प्रश्न जो है हमेशा परसदी किताबों से ही पूछते चले आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो पुराने पेपर हैं उनको उठा के आप देखेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे, तो प्राइमरी की किताबों से ही सारी चीज़ें जो है उसमें पूछी गई, बस लैंग्वेज चेंज करके तरीका उनका पूछने का थोड़ा सा अलग था, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपके सामने चैप्टर 1 से हम विश्लेषण करना शुरू करेंगे एक एक किताब का। एक दिन में 4-5 चैप्टर जो भी हो पाएंगे वो करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक बेहतरीन तैयारी के लिए। वादा है मेरा आपसे कि इस बार आपके साथ कुछ अच्छा होगा। हम पूरी मेहनत पूरी लगन से आपके साथ लगे हैं, आप भी पूरी मेहनत और लगन के साथ लग जाइए। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बस अंडरलाइन पॉइंटों को देखेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो अंडरलाइन पॉइंटे में सबसे पहले पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आसमान में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे है रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों के बने गोले होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि तारे कैसे होते हैं, तो तारे जो है गर्म गैसों के बने गोले होते हैं। आगे कह रहा है इनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करना और उष्मा, यानी कि यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि क्या तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है, या फिर यूँ कह लेगा निम्नलिखित में से किसमें अपना खुद का प्रकाश होता है। तो उसमें आपको दे देगा ग्रहों के नाम दे देगा, उसमें एक तारा भी दे देगा। तो आपको तारों पे जाना है क्योंकि तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक। या तो यूँ पूछ लेगा दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, आप पढ़े होंगे दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, तो उसमें तारा दे देगा, ठीक है, कि तारा दीप्त है कि अदीप्त है। बताएं आप लोग, तारा दीप्त है कि अदीप्त है? तारा दीप्त है, क्योंकि तारे में खुद का प्रकाश होता है। अगर ये दूसरे के प्रकाश से चमकता तो ये क्या हो जाता? अदीप्त हो जाता। तो दोस्तों आगे चलेंगे, आगे हैं हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतनी ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना किसी शक्तिशाली दूरदर्शी से नहीं देख सकते। कहने का मतलब ये है कि तारे बहुत दूरी हैं, इसलिए हमें वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक। और एक चीज़ और आपको हम यहाँ से फैक्ट बताते चलें, अगर आपसे ये पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है वो सूर्य है। क्या है? सूर्य है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे है रात्रि में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि जब अगर रात में आप सो रहे हो, आसमान साफ हो, आप आसमान में ऊपर देखेंगे तो आपको आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कुछ यूँ कह लें तो कहीं घोड़ा बनता दिखाई देता है, कहीं हंसुआ बनता दिखाई देता है, कहीं पेड़ बनते दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तारों का जो समूह रहेगा उसको जब आप कोरिलेट करेंगे ना, तो कोई ना कोई आकृतियाँ बनेंगी,
जिसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है, तो वहाँ ऑप्शन में नक्षत्र मंडल भी रखा जा सकता है। आगे खगोल विदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है, ये महत्वपूर्ण है। कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88, ये आप नोट कर लीजिए, पेपर पेन ले करके बैठा करिए आप लोग, तब मज़ा आएगा। आगे है, अगर आपको कुछ हम तारामंडलों को नाम बताएं तो ओरियन, अर्सा मेजर जिसे बिग बियर कहते हैं, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग कहा जाता है, स्मॉल बियर यानी कि सप्तर्षि मंडल। यहाँ से आपसे पूछेगा सप्तर्षि मंडल का एक और नाम क्या है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ बताएंगे कि उसका जो एक नाम है वो है स्मॉल बियर। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है, करा प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारों की सहायता से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ये महत्वपूर्ण है कि प्राचीन का यानी पुराने समय से ही, जब घड़ी नहीं, वो दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास नहीं था, तो कैसे पता करते थे कि कौन सा दिशा कहाँ है रात के समय में। खासकर सुबह तो मान लो सूरज निकल जाता था, तो ये होता था जिधर सूरज निकल रहा है उधर पूरब है, लेकिन रात में कैसे पहचानते, तो जो ध्रुव तारा है ठीक, या फिर जो सप्तर्षि मंडल है, जो सप्तर्षि मंडल है और जो ध्रुव तारा है, वो हमेशा कहाँ दिखाई देता है, उत्तर दिशा में निकलता है। इससे क्या होता था, दिशाओं का ज्ञान करा लिया जाता था। यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न कि ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है, तो आपको बताना है उत्तर दिशा में। ठीक, लोगों को यही छोटी छोटी चीज़ें नहीं रहती हैं पता। आगे चलेंगे, आगे सौरमंडल की बात है, तो सौरमंडल में आपको पता होगा कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुछ कितने हैं, 8 ग्रह हैं। इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह हैं यानी छोटे ग्रह, उच्छल तारा, उल्का पिंड, ये सब मिल करके क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार का जो मुखिया है वो क्या है, सूर्य है। सौर मंडल का जो मुखिया है वो क्या है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सारी चीज़ें जो है नियंत्रित हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे कह रहा है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी खिंचाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, घूम घूम करके परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आगे चलेंगे, सूर्य की बात करेंगे। आगे कह रहा, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों का बना एक तारा है, और इसमें जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस के साथ इसमें हीलियम गैस है। कौन सी गैस है, हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक, आगे, यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें क्या होते हैं, समा सकते हैं सूरज में। यह समुच्चय सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किमी प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य तक पहुँच जाता है। यानी कि पूछेगा यहाँ से प्रश्न कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितनी देर में पहुँचता है, तो 8 मिनट में और 19 सेकंड में क्या होता है, पहुँच जाता है। ठीक, आगे चलेंगे दोस्तों, प्लैनेट्स की बात कर लें, ग्रह की बात कर रहे हैं, तो जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाता है, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रहों में जो है अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से पूछ लेगा, आपको कुछ ग्रहों के नाम दे देगा, उसमें सूरज भी डाल देगा, और आपसे पूछेगा कि निम्न में से बताइए किसमें अपना खुद का प्रकाश है, तो सूरज के पास तो अपना खुद का प्रकाश है, लेकिन और जब ग्रह डाल देगा, और भी प्लैनेट डाल देगा, तो उनमें खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दूसरे के प्रकाश से क्या करते हैं, चमकते हैं। अभी हमने आपको दीप्त अदीप्त की जो बात बताई वो इस पे हूबहू लागू होती है। आगे चलेंगे, तारे जो होते हैं वो अपने खुद के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गोल गोल क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। आगे चलेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में इनकी आकृतियाँ गोल या लगभग गोल हों, तथा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों।
कि कहने का मतलब ये है, जब वो जैसे ये कह लें, हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझा दें, जैसे ये ग्रह हो गए 2-3, ठीक। तो जब ये जब घूमे एक दूसरे के, मान लो यहाँ बीच में सूरज हो गया, ठीक, यूँ ऐसे कर लेते हैं, सॉरी, ये मान लो सूरज हो गया, क्या हो गया, सूरज हो गया ये आपका, ठीक। एक ग्रह यहाँ हो जाएगा, एक ग्रह यहाँ हो जाएगा, एक ग्रह यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे 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 चक्कर लगाएंगे, ये इस तरीके से घूमेंगे। ये नहीं, ऐसे नहीं घूमेंगे कि ये सूर्य हो गया तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे ना, ऐसे तो नहीं घूमेंगे बिल्कुल भी। ये ऐसे घूमेंगे तो ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ये जब भी घूमेंगे हमेशा जो है सूरज है ये आपका, ठीक है। अब ये ऐसे रहेंगे ग्रह, ठीक, ऐसे रहेंगे। और इसके बाद ये क्या करेंगे, ये अपने इस सर्किल में घूमेगा, ये इस सर्किल में घूमेगा, ये इस सर्किल में घूमेगा, और ये अपने इस सर्किल में घूमेगा। इस तरह से ये क्या करेंगे, अपना चक्कर लगाएंगे। कोई किसी के कक्षा में क्या करेगा, जाएगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, आगे चलेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सबसे आगे बुध है, फिर शुक्र, बुध है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, और इसके बाद जो है पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति क्या करते हैं, घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, और सूर्य की ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ये दोनों शब्द हम आपको समझा दें तो बेहतर होगा। देखिए, ये हो गया सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य, चलो सूर्य बना लेते हैं, सॉरी सूर्य देवता, माफ़ करिएगा आपको छोटा बनाने के लिए, ठीक। अब देखिए ये प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, ये प्लैनेट्स हो गए, मान लो 3 ही प्लैनेट्स, ठीक है। अब देखो जो ग्रह होते हैं वो 2 तरीके से घूमते हैं। नंबर 1, ये अपनी धुरी पे जहाँ ये हैं इसी सर्किल में क्या करेंगे, ऐसे गोल गोल घूमेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल ये घूमेंगे, ठीक। एक सर्किल इनका ये घूमना हो गया, ठीक, जो इनका ये गोल गोल अपनी ही जगह पे घूमना होता है, इसे कहा जाता है परिभ्रमण। क्या कहते हैं इसको, परिभ्रमण कहा जाता है, ठीक। अब दूसरा, जब ये इस सूर्य को चक्कर लगा के घूमेंगे, इस सूर्य के चारों तरफ घूमेंगे ऐसे ऐसे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इस चक्कर को कहा जाता है परिक्रमण। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ग्रह का अपनी जगह पर ऐसे गोल गोल घूमना क्या कहलाएगा, परिभ्रमण कहलाएगा, और उसी ग्रह का क्या करना, किसी सूरज के चारों तरफ क्या करना, घूमना, वो परिक्रमण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में बता करके छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो धैर्य रखिएगा, आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत विधिवत एकदम एक्सप्लेन करके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलेंगे, आगे है जो क्या कहने जा रहे थे, हाँ तो चलिए आगे चलेंगे। आगे है, अब पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी क्या है, 3रा ग्रह है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान का ग्रह है, तो वो किस स्थान का ग्रह है, 3रे का, यानी कि ऐसे कर ले बस, 3रे नंबर पे जो होगा होगा पीछे की तरफ से, इधर से नहीं, पीछे की तरफ से, ठीक है। आगे चलेंगे, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य चोटी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूआग कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित गृह गैस
कहा जाता है पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को देखने पर क्या होता है, पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको पता होगा दोस्तों। आगे चलेंगे उपग्रह की बात कर लें तो कुछ आकाशीय पिंड जो होते हैं वो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और ध्रुवों की बात किया जा रहा था तो पृथ्वी के इस वाले भाग को, यहाँ ऊपर वाले इधर के और नीचे वाले इस भाग को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से इन्हें जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, यहाँ पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इधर भी ठीक, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे बहुत ठंड, बर्फ जमी होती है। आगे चलेंगे, शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों ऊपर भी एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा ऑनलाइन पेपर और पेन लेकर के, कि शनि और अरुण, अरुण मतलब यूरेनस, ये जो दोनों ग्रह हैं इनके दोनों तरफ क्या होती है, वलय यानी कि रिंग्स पाई जाती हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बस यही इतना यहाँ पे महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्षुद्र ग्रहों यानी कि छोटे छोटे जो ग्रह होती हैं उनकी बात करेंगे। तो मंगल एवं बृहस्पति जो इनकी जो कक्षाएं होती हैं जहाँ पे ये जितनी देर में, जैसे मान लो ये मंगल हो गई, ये जो बृहस्पति हो गई, ये यहाँ से घूम रहे हैं, ये यहाँ से घूम रहे, तो इनका जो एरिया होगा, सर्किल जो होगा घूमने का, उसमें असंख्य क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब उल्का पिंडों की बात कर लें अगर, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी आपको पता होगा कि आप आसमान में ऐसे सोए रहते हैं तो कोई ऐसे जलती हुई चीज़ आती है, ठीक है, आप देखते हो तो आती है, आते आते वो फिर क्या होती है, बीच में बंद हो जाती है, बुझ जाती है, जलती हुई आती है, उसमें पूंछ रहती है, फिर वो बुझ जाती है। इसका वजह ये होता है, या फिर आसमान में आप सोए होते हैं तो कहते हैं देखिए तारा टूट रहा है ना, तो कोई पिंड जो होता है वो जब आसमान से वहाँ से जब टूटता है, उसका जो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होता है, वो टूट करके जब आता है, वो जैसे वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडलीय गैस के घर्षण के कारण क्या होता है, वो जलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये नहीं कि वो वहाँ से ही जलते हुए आता है। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ यहाँ आगे लिखी भी गई है, जो हमने आपको बताया वो लिखा भी गया, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। पुच्छल तारों की बात कर लें तो धूम, वही जो हमने बात की है, जो जलते हुए पूंछ जिनमें होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का जो सिर होता है वो सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होता है। पूंछ किधर होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा, और सिर किधर होगा, सूरज की तरफ होगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप जानिएगा कि किसी भी उल्का पिंड का सिर और पूंछ किस दिशा में होता है, तो सिर कहाँ होता है, सूरज की दिशा में होता है, और पूंछ कहाँ होता है, हमेशा बाहर की दिशा में होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे आगे नेक्स्ट वीक पेज पे। चलिए आगे आपको बताते चलें, कुईपर मेखला क्या है। तो कुईपर मेखला के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्लूटो, प्लूटो है, पूछता है प्लूटो किस मेखला में, तो प्लूटो जो है कुईपर मेखला में स्थित है। थोड़ा सा इसको हम सुनते चलिए आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि जो क्यूपर मेखला है वो नेपच्यून के पार सौर मंडल की आखिरी सिरे पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है, जिसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। तो जो क्यूपर मेखला है, कहने का मतलब ये है, वो एक ऐसी तस्तरी टाइप की है जिसमें बहुत सारे पिंड हैं, उसमें आपका प्लूटो जो 52 ग्रह की श्रेणी में, वो भी उसी में क्या होता है, आता है।
आगे आपको यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट एक बताते चले हम प्लूटो के बारे में कि हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 में पहले 9 ग्रह माने जाते थे। इसके बाद यम जो था यानी कि प्लूटो 9वां ग्रह यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था, अतः 24 अगस्त 2006 को इसे क्या कहा गया कि हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कौन हटाया? IAU द्वारा क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम मेखला है, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं या दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यही सवाल पूछेगा, हमारी जो मेखला उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार क्या? सर्पीलाकार आकार है, यानी तस्तरी करी, तस्तर जो तस्तरी होती है थाली जैसे, वैसा इसका आकार है। ठीक है, तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा और फैक्ट्स नहीं है। यहाँ एक फैक्ट और है आपको और बता दें कि पूरे ब्रह्मांड को बनने में लगभग 13 अरब वर्ष लगा था। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारी आकाशगंगा है उसका निर्माण हाइड्रोजन हीलियम गैसों और धूल कणों के माध्यम से हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें आकाशगंगा में बनने वाले जो बादल होते हैं, धूल कण हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के जो बादल बनते हैं, उसे निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी है, इसको भी देखते चलेंगे। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी, ठीक है, से चला जो प्रकाश होता है वो हमारे यहाँ जो है लगभग 1 करोड़ वर्ष लग जाएगा उसे पहुँचने में। ठीक है, और एक विशाल बैंग वो ब्लैक होल की बात है, यानी कि बिग बैंग जो वो होती है, जिससे जो है चंद्रशेखरन जी ने जो है सबसे पहले उसके बारे में बताया था। कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, ये हमें नहीं लगता आपसे इसमें से कोई प्रश्न बनता है। ठीक है, बस इतना जानते रहिए कि वहाँ ब्लैक होल में जो है इतना ज़्यादा खिंचाव होता है, इतना ज़्यादा आकर्षण होता है कि कोई भी चीज़ उसमें चला जाता है तो वो फिर वापस वहाँ से नहीं आता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्लैक होल का नाम प्रदान कर दिया गया। तो दोस्तों ये एक दोस्तों ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद जो है टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 20-22 मिनट हो गए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, 2-4 चैप्टर और एक साथ में लंबा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगे तो मत लाइक करिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद साथियों।